नमस्कार दोस्तों, चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट पीसीबीएल लिमिटेड, बिकॉज कंपनी की तरफ से आया इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कंपनी ने अनाउंस किया अपना क्वार्टरली रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद देख सकते हैं इसमें लगभग 3% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला। तो क्या रिजल्ट इतना खराब आया, उसको चेक करेंगे एंड कंपनी की चार्ट में भी चेक करेंगे, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रिसेंट, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो कंपनी से पहले जानी जाती थी एज फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के नाम से, और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 7453 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर डेट है 1029 का, चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि कंपनी के ऊपर डेट भी है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, एक अच्छी चीज है। यहाँ पर इंडस्ट्री का भी 29.8 है, उससे ये नीचे ट्रेड कर रही है। तो कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ चीजें नेगेटिव है, प्योर स्कोर थोड़ा लो है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है, इनिशिएट करना है। ओके सो और क्योंकि ये शेयर जो है, हम लोगों ने बहुत ही नीचे के लेवल से 150-140 के रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया था। पुराने वीडियो को आप मेरा वॉच कर सकते हैं, और आज लगभग 200 के ऊपर में तो काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी हम लोगों को आ चुका है, बताना चाहूंगा। सो चलिए अभी फटाफट कंपनी का चार्ट को चेक करते हैं। तो इस लेवल आप देख सकते हैं, किस लेवल पे हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था और आज कहां पर है ये देख सकते हैं शेयर। सो काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एक पैटर्न अभी क्रिएट हो रहा है, दैट इज थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि रिजल्ट आया है, एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। इसके लिए रेसिस्टेंस जो था 200-205 के लेवल को, उसको अभी उसके ऊपर ये क्लोजिंग अगर आता है तो इट्स वेल एंड गुड, 205 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर से ये बुलिश हो जाएगी, अदरवाइज अगर ऐसे ही कैंडलस्टिक बना तो लगभग 180 तक का लेवल इसको देखने को मिल सकता है। नाउ मूविंग टू द रिजल्ट पार्ट, रिजल्ट जो रहता है, और ये भी बताना चाहूंगा, चार्ट अभी तक बेयरिश नहीं हुआ है, कैंडलस्टिक अभी बेयरिश हुआ है, टेक्निकल अभी स्टिल बुलिश ही बताया जा रहा है, ठीक है। चार्ट अभी बुलिश है, नॉट बेरिस, बुलिश है। ओके सो अभी हम लोग अगर कंपनी का चेक करते हैं, सबसे पहला चीज है, देखिए जो भी यहाँ डिस्कशन होगा करोड़ों में होगा। ओके ये देखिए करोड़ में यहाँ पर डिस्कशन होगा। हम लोग सबसे पहला चीज है क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। ये देखिए क्वार्टरली, और यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये 2022 का रिजल्ट है, ये आपका जून 2023 का है, 2023, और अभी जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आज कंपनी ने अनाउंस किया है रिजल्ट। तो कंपनी का टोटल इनकम को फटाफट चेक कर लेते हैं। इनकम देखिए 1631 लास्ट ईयर था, जून में बढ़कर के ये देखिए जून में 1351 हुआ, और अभी जो रहता है फिर से वो बढ़कर के 1489 हुआ। यानी अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कीजिए तो इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है कंपनी के इनकम में। इस कारण से चार्ट में गिरावट देखने को या शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि तो टोटल इनकम में गिरावट है। अगर लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर कंपैरिजन कीजिएगा तो उसमें आप ये रेवेन्यू या इनकम बढ़कर आया है। कंपनी का अगर एक्सपेंस को चेक कीजिएगा तो ये देखिए 1482 था लास्ट ईयर, अभी कितना है 1317, और लास्ट क्वार्टर में इट वाज 1197, यानी खर्च। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कीजिएगा तो ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं 148 था लास्ट ईयर, ऊपर करके 154 हुआ, तो कंपनी प्रॉफिटेबल, अच्छा इसलिए कारण से अच्छा चार्ट में जम भी देखने को मिला। अभी क्या 172 के अराउंड में, 117.59, तो कंपनी का रिजल्ट जो रहता है कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहा है। बस एक ही चीज नेगेटिव है, कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन किया है, कंपनी स्टिल अभी प्रॉफिटेबल है। कंपनी को टैक्स डिडक्शन के बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक कीजिएगा तो लास्ट ईयर 116 का था, जून में 109 का, और अभी क्या है 122.83, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा इंप्रूव कर आया है, काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर लास्ट ईयर 116 था, जून में इसमें गिरावट हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, टैक्स डिडक्शन होने के बाद, और अभी क्या हुआ, अभी ये इंप्रूव किया है। तो रिजल्ट जो कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है, बस लेकिन एक चीज है, कंपनी का रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे म्यूटेड रिजल्ट या मिक्स्ड रिजल्ट बोलेंगे। इस कारण से शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिला था, लेकिन इसको बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो बेहतरीन रिजल्ट है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट पीसीबल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आई विल साइन ऑफ, थैंक यू।